दृश्यम इज वी डीपर देन यू थिंक, और ये बात मैं दोनों ही पार्ट्स के बारे में कर रहा हूँ। और अगर हम थोड़ी देर के लिए रीमेक वाली डिबेट को साइड में रखें, क्योंकि वो तो इनेविटेबल टॉपिक है भाई, उसके ऊपर सबके ही ढेर सारे ओपिनियंस हम लोगों को सुनने को मिल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अच्छे से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं फेथफुल रीमेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मजा आनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आर्ट की कदर करना सीखो, इस तरह से बार बार रीमेक करके तुम ओरिजिनल के क्रिएटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और उनकी आर्ट को बर्बाद कर रहे हो। तो ओपिनियंस सबके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन भाई अभी हम रीमेक के बारे में बात नहीं कर रहे, आज मैं दृश्यम के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसने कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया। और क्यों, ये मूवी जो है, ये दोनों ही पार्ट जो है, एक सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री थ्रिलर से बढ़कर भी बहुत कुछ कैसे है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी फिलोसफी डिस्कस करेंगे, फिर इसकी रिलेटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये इतनी ज्यादा रिलेटेबल क्यों है, और तीसरी बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इसकी कंटिन्यूएबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, और इस पूरी फ्रेंचाइज में मेरी सबसे फेवरेट बात यही है, इसकी फिलॉसफी। जिस आइडिया के साथ में इसे बनाया गया है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगता है मुझे। अगर तुम्हें कॉन्टेंट राइटिंग के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो तुम्हें इतना तो समझ में आता होगा कि जब भी कोई बंदा किसी भी तरह की कहानी को लिखता है तो उसके पीछे उसका एक बेसिक आइडिया या फिर फिलॉसफी हमेशा ही एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लोग चीजों को देखते हैं, राइटर कभी भी उस तरह से चीजों को नहीं देखता है, क्योंकि किसी भी तरह की कहानी को बनाने का एक इंटेंशन होता है, और वो इंटेंशन रहता है अपना मैसेज उस कहानी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। हम लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर ज्यादातर चीजों को देखते हैं, लेकिन राइटर हमेशा अपना एक मैसेज लोगों तक डिलीवर करने के लिए इन कहानियों का सहारा लेता है। या तो ये मैसेज किसी प्रकार की कोई सीख हो सकती है, या फिर ग्राउंड रियलिटी को ही आर्टिस्टिक वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की प्रेस्टीज, उस मूवी का एंड मैसेज यही था कि जो बदला लेने के बाद सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है वो काफी ही छोटे टाइम पीरियड तक हमारे साथ रहता है, फिर वो सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी हमसे दूर हो जाता है। और इसे काफी कॉम्प्लेक्स वे में उन्होंने दिखाया है, लेकिन एंड मैसेज तो यही था। तो दृश्यम हमसे क्या कहने की कोशिश करती है, ये मूवी हमें ग्राउंड रियलिटी बताती है कि हर एक इंसान के लिए उसकी फैमिली से ज्यादा और कुछ भी मैटर नहीं करता, और वो इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ भी और कैसे भी कर जाएगा। और ये टेंडेंसी सभी में होती है, इरिस्पेक्टिव टू जेंडर एंड एज। क्योंकि भले ही हमको लगता है कि फ्रंट लाइन में तो विजय साळगावकर ही अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो फिर उसकी बाकी के फैमिली मेंबर्स ने क्या किया। यहाँ पर सारे ही फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, चाहे वो बड़ा ट्राई हो या छोटा ट्राई हो, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते हैं। जैसे श्रिया सरन का जो कैरेक्टर है वो कई जगहों पर हमें ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए दिखती है अपनी बेटियों के लिए, एंड इनफैक्ट विजय साळगावकर के लिए, जबकि हम लोगों को पता है, इनफैक्ट उसको भी पता है कि वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, ही हैज ऑलरेडी फूल्ड द होल पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन तब भी वो उस पर डाउट करती है। वो ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर हमें उसका थ्रू आउट द सेकंड पार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो विजय की दोनों बेटियों के कैरेक्टर्स है उनको भी इसी तरह से एक एंगल देने की कोशिश की कि वो भी अपने फैमिली को बचाना ही चाह रही है, एंड ऑब्वियसली अगर वो लोग एक दूसरे के लिए ये इमोशंस नहीं रखते तो वो लोग जब गायतोंडे उन लोगों को मार रहा होता है उस टाइम पे सच बोल ही देते डर के मारे, बिकॉज ही वॉज लिटरली फोर्सिंग दैट। पर अपनी फैमिली को बचाने वाली उस टेंडेंसी के कारण ही वो लोग एंड तक डटे रहे, चाहे हम फर्स्ट पार्ट में इंटरोगेशन सीन की बात करें या फिर सेकंड पार्ट वाले इंटरोगेशन सीन की बात करें, दोनों ही सीन्स ये बात बताने की कोशिश करते हैं। इसके इतने सक्सेसफुल होने के कई सारे रीजंस में से एक रीजन तो ये भी है कि इतनी ज्यादा रिलेटेबल। तो इसे इतना रिलेटेबल कौन सी चीज बनाती है, वही मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा, वो फैमिली इमोशन। वरना तो मुझे नहीं लगता एक मिस्ट्री थ्रिलर, एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी को लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे। बॉक्स ऑफिस पे इस तरह की चीजें ज्यादातर चलती नहीं है, क्योंकि उसमें गोर होता है, वॉयलेंस होता है, लेकिन इसके अंदर में बिना उन चीजों को ज्यादा दिखाए भी काफी इंटेंस मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है, एंड साथ ही में इसे इतना रिलेटेबल बनाया गया है कि जो मासेज है वो आराम से अपने फैमिली के साथ में जाके इसे देख सकते। एक और चीज जो इससे और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है कि यहाँ पर जो हमें क्राइम देखने को मिलता है वो एक परफेक्ट क्राइम है, यानी कि वो क्राइम जो है लॉ की नजर से तो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक आम इंसान की नजर से जस्टिफाइड है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में मॉरली कुछ गलत नहीं, बिकॉज जिसका मर्डर हुआ है वो भी कोई बहुत संत आदमी नहीं था, और जिसने मर्डर किया है वो भी कोई जान बूझ के सब नहीं कर रहे थे, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसमें किसी की भी गलती नहीं। अगर कंटिन्यूएबिलिटी की बात करें, मुझे पर्सनली लगता है कि इस मूवी को थर्ड पार्ट पेंड कर देना चाहिए, पर अगर मुझसे पूछो कि भाई इसे ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकते हैं, तो मैं कहूंगा भाई 5 से ज्यादा पार्ट्स इसके नहीं बनने चाहिए, और जितनी मेरी इमेजिनेशन जाती है उस हिसाब से शायद मैं एंड में विजय साळगावकर को एज अ विलन प्रेजेंट करूं। आई नो आप में से कई लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर ट्रांजिशन लाए जा सकते हैं।
अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा है तो आप मेरी बात समझ जाओगे, बिकॉज वहां पर भी इसी तरीके से स्टार्टिंग में जो वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर हमें इतना ज्यादा पसंद आता है, वो ऐसे ट्रांजिशंस और कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसके चलते वो हमारे लिए एक मॉन्स्टर से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वो वॉल्टर वाइट से हाइजनबर्ग बन जाता है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दृश्यम में भी कुछ इस तरह का कैरेक्टर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, तो यार ये बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग और बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी होगा इंडियन सिनेमा के लिए। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल ग्रे आर्मर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन एंड गुड बाय।